जिला चिकित्सालय का प्रसव वार्ड हमेशा किसी न किसी गफलत में रहता है। एक और मामला सामने आया है जिसमें एक प्रसूता के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि प्रसूता को प्रसव पीड़ा होने के चलते सरकारी अस्पताल में लाया गया था, जहां बच्चे को इस तरह से खींचा गया कि उसकी पूरी खाल ही फट गई, साथ ही उसकी आंखें भी फूट गईं। वहीं परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि मनमानीपूर्ण रवैया के चलते उनकी नवजात शिशु को मार दिया गया है। वहीं इस मामले की जांच करने के लिए परिजनों ने सिटी कोतवाली में एक आवेदन भी दिया है। इस मामले की जांच पड़ताल करने के लिए जब हमारी टीम अस्पताल पहुंची तो पता लगा कि प्रसूता के गर्भ में ही बच्चे की मृत्यु हो गई थी। वहीं सोनोग्राफी के समय बच्चे की धड़कन न मिलने पर परिजनों को भी अवगत करा दिया गया था। अब देखने लायक होगा कि किस तरह से अस्पताल प्रबंधन इस मामले की जांच करता है और साथ ही जो परिजन आरोप लगा रहे हैं वो सही है या गलत है। सुबह 6 बजे बहू को डिलीवरी के लिए लेके आए थे, उसके दर्द हो रहे थे तो हम डिलीवरी कराने के लिए यहाँ अस्पताल में लेके आए। यहाँ लेके आए, उन्होंने कहा भाई बैठ जाओ, बैठ गए। फिर उन्होंने सोनोग्राफी की, जांच की, माने जांच की 9-10 बजे, 9-10 बजे जांच की, तो जांच में उन्होंने ये बताया कि वो तो पेट में ही खत्म हो गई, शांत हो गई। बच्चे की, हाँ बच्चे की धड़कन नहीं मिल रही, ये बोला उन्होंने, बच्चे की धड़कन नहीं मिल रही। अब सब हम मायूस हो गए, धड़कन नहीं मिल रही माने शांत, इसका मतलब यही होता है। तो फिर उन्होंने कहा भाई अब हो जान दो डिलीवरी, हो जान दो डिलीवरी, हो जान दो, दर्द बढ़ गया, दर्द बढ़ गया। जब डिलीवरी होने के लिए उन्होंने हाथ चला के बच्चे को खींचा, लड़की थी, बच्ची को खींचा तो उसकी आंखें भी फूट दी। आप देख सकते हो उसके तो मतलब कहने का मतलब लापरवाही से डिलीवरी कर, लापरवाही से उन्होंने बच्ची को खींचा, लड़की थी, लापरवाही से उसके हाथ में भी खाल निकल गई, उसकी पेट की भी खाल निकल गई, उसकी साथ चल रही थी, उसकी आंखें दोनों फूट गई, फोड़ दी, वो अपने आप दिख रहा है, वो तो दिख रहा है। गाल पे भी खून के, और जो आईसीयू में भर्ती नहीं कराया किसी ने, आईसीयू में भी भर्ती नहीं की उन्होंने, अभी भी